और सुपार विपक्ष कह रहा है कि भाजपा जो है संविधान के साथ खेलने जा रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है संविधान को लेकर अब बरगलाने का प्रयास कर रहा है। लगातार विपक्ष संविधान के साथ स्वयं खेल रहा है। संविधान में विपक्ष की कोई आस्था नहीं। कांग्रेस पार्टी इस देश के 55 वर्षों से ज़्यादा शासन किया है और 55 वर्षों में देश के पिछड़ों को जो अधिकार मिलना चाहिए था नहीं मिला। एक पिछड़ा वर्ग आयोग मिला था, बना था, जिसको ठंडे बस्ते में डालने का काम कांग्रेस ने किया और इस सपा बसपा ने संवैधानिक दर्जा नहीं दिलवाया। पिछड़ा वर्ग आयोग को अगर संवैधानिक दर्जा किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। तो संविधान के साथ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी खेल रही है, ना कि भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के पिछड़ों को सम्मान देने के लिए देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का दुनिया का सबसे बड़ा स्मारक बनवाया। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे, उनको भारत रत्न दिया। कपूरी ठाकुर पिछड़े समाज के बहुत बड़े नेता थे, उनको भारत रत्न दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम लेकर के, जो संविधान निर्माता है हमारे, उनका नाम लेकर के लोग राजनीति करते थे, लेकिन उनके स्मारक बनवाने का काम उन्होंने किसी ने नहीं किया। अगर किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया। पूरे देश में पंच तीर्थ, जहाँ उनकी जन्मभूमि, कर्मभूमि, पढ़ाई, ऐसे 5 स्थानों को स्मारक बनवा करके वहाँ का विकास करके हमारी सरकार ने किया है। आज पिछड़े समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, आदिवासी समाज के लोग हों, सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व अगर किसी ने दिया है तो मोदी सरकार ने दिया है। आज पहला राष्ट्रपति मोदी जी ने किसको बनाया? एक दलित समाज के। दूसरा राष्ट्रपति मोदी जी ने किसको बनाया? एक आदिवासी समाज की गरीब महिला को। केंद्र की सरकार हो, अन्य प्रदेशों की सरकार हो, सबसे ज़्यादा पिछड़ों का प्रतिनिधित्व, दलितों का प्रतिनिधित्व, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व अगर किसी सरकार में है तो मोदी सरकार के। इसमें साथ अगर वो ये कह रहे हैं तो वो अपनी समीक्षा करें। मोदी जी संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान के नियमानुसार हमारी पार्टी काम करती है, हमारी सरकार। अखिलेश यादव लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और वो हमलावर हो रहे हैं, कह रहे हैं कि यूपी से आपकी भाजपा साफ हो जाएगी। अखिलेश यादव जी 22 में भी कह रहे थे यूपी से साफ हो जाएगी, अखिलेश यादव जी 17 में भी कह रहे थे साफ हो जाएगी। अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के लिए कितना शुभ है ये वही बताएंगे, क्योंकि जब से उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है तब से आज तक कोई भी चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं जीती, ये रिकॉर्ड है। वो तो बोलेंगे ही, वो बयान देते रहेंगे। यूपी में कितनी सीटें भाजपा 80 की 80 भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। कहीं ना कहीं जो ये कहा जाता है कि सौहार्द की बातें आती हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बातें आती हैं, अल्पसंख्यक क्या लगता है कि अल्पसंख्यक का रुझान देखने को मिले? मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को समर्थन देने के लिए सब समाज के लोग, सभी धर्मों के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ देते हैं और सब लोग आशीर्वाद देते हैं। बसपा के शीर्ष नेतृत्व के एक बड़े नेता हैं जो भाजपा की तुलना आतंकवादियों से कर डाले। अब उनकी उनका जवाब जो है, मुकदमा भी लिखा गया, उनका जवाब जो है हमारे बड़े नेता दे रहे होंगे। हमसे आप बस्ती के बारे में पूछिए, क्या इस तरीके की बयानबाजी राजनीति में? देखिए, कोई ऐसी बयानबाजी होगी तो चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई करेगा। हम उस पर बयान देकर के हम भी कुछ बयान दे हैं, उसमें हम भी फंसे थे, अच्छी बात नहीं है। सर, पुरानी पेंशन की बात नहीं करती है बीजेपी बहाली? देखिए, हर चीज़ का समाधान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और मोदी सरकार कर रही है। कुछ समस्याओं का समाधान थोड़ा बहुत बचा है, वो भी हो जाएगा। सांसद जी, कल जो आपके नामांकन है वो किस तरीके से, कौन कौन मंत्री शामिल हो रहे हैं? मैंने कहा हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, भाजपा के हमारे वरिष्ठ नेतागण, निषाद पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हमारे पार्टी के दारा सिंह चौहान जी सहित भारतीय जनता पार्टी कई वरिष्ठ नेता हैं। अभी हाल ही में आपकी विश्वासी जनता पार्टी, उन्होंने बयान जारी किया था कि हमें कोई रोक नहीं पाएगा पूर्वांचल में। देखिए, उनकी भाषा ही वो ऐसी है, जब बौखलाहट होती है वो बौखलाहट के बाद इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों से इससे ज़्यादा कोई अपेक्षा की नहीं जा सकती। हमारा एजेंडा है विकासवाद, राष्ट्रवाद और गरीब कल्याण। उनके पास विकास गिनाने के लिए कुछ है नहीं, उनके पास किसी गरीब के लिए कोई काम किए हैं ऐसा कुछ विषय है नहीं। तो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं, बस्ती की जनता देख रही है, उसका जवाब 25 तारीख। अखिलेश जी ये भी कह रहे हैं कि भर्तियां हुई हैं, 4 पैर वाली भर्तियां हुई हैं, 2 पैर वाली भर्ती नहीं हुई है, सांडों की भर्तियां हुई हैं, सांड इधर उधर घूम रहे हैं। देखिए अखिलेश जी क्या कहते हैं, अखिलेश जी जाने जी, अखिलेश जी का जवाब हमारे
राष्ट्रीय जनता का प्रदेश नेता। जनता अगर आपको तीसरी बार मौका देगी तो आगे दो तीन महत्वपूर्ण जिस तक आप काम करना चाहते हैं अगले पाँच साल के लिए, अगले पाँच साल का जो मेरा एजेंडा है, बस्ती शहर का सौंदर्यीकरण हो, उसके लिए रिंग रोड पास हो गया है, रिंग रोड बन जाए, साथ ही साथ बस्ती शहर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर के तमाम ऐसे यहाँ शहर को डेवलप करने के लिए कई योजनाएं हमारे पास उसको करेंगे, साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक क्या सुधार किया जा सकता है उस दिशा में प्रयास करेंगे, जिससे हमारे बस्ती के लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छी अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। राजकिशोर सिंह की चर्चाएं तेज है भाजपा में, अब देखिए चर्चाएं तेज नहीं हुई, बाकी शीर्ष नेतृत्व से शायद उनकी कोई बात हुई हो तो वही बताऊँ।